जाते ही पार्षदों द्वारा अपने अपने क्षेत्रों में दावेदारी जुटाने में लग जाते हैं। वहीं वार्ड 2 में पूर्व पार्षद रफीक खान द्वारा चंदन नगर चंदूवाला रोड पर कार्यकर्ता एवं वार्ड की जनता का मिलन समारोह आयोजित किया गया। वार्ड की जनता ने इस मिलन समारोह में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं वार्ड की महिलाएं सहित बुजुर्ग और युवाओं ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और कार्यक्रम में क्षेत्र के बुजुर्गों का भी साफा बांधकर सम्मान किया गया। इस अवसर पर क्षेत्र विधायक संजय शुक्ला, शहर अध्यक्ष विनय वाकलीवाल, पूर्व मंत्री जीतू पटवारी, पार्षद अंसाफ अंसारी, गोलू अग्निहोत्री, पार्षद दीपू यादव, पार्षद अनवर दस्तक, पार्षद सादिक खान सहित कई नेतागण मौजूद रहे और वार्ड की जनता ने अपने वार्ड के पार्षद को जिताने का संकल्प लिया है। वहीं जनता ने विश्वास भी दिलाया है। ये वार्ड क्रमांक 2 के कांग्रेस कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन हमने आयोजित करा था, जिसमें वार्ड क्रमांक 2 के बुजुर्गों को, नौजवानों को और सभी साथियों को आमंत्रित करा था, जिसमें कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी संजय शुक्ला जी, पूर्व मंत्री जीतू पटवारी जी, विनय वाकलीवाल जी, गोलू अग्निहोत्री जी, दीपू यादव जी, अंसाफ अंसारी जी, अनवर दस्तक जी, सादिक खान जी सहित क्षेत्र के कई गणमान्य इन नेताओं के साथ कई गणमान्य नागरिक थे। उनमें हमने बुजुर्गों का सम्मान भी किया इस मंच के माध्यम से और आने वाले दिनों में नगर निगम चुनाव में चंदन नगर में ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग महापौर के पक्ष में कराने के लिए हम लोगों ने यहाँ लोगों से बात की है और ये आयोजन लगातार हमारा आगे चुनाव तक इस तरीके के आयोजन चलते रहेंगे और आने वाले दिनों में हम इसको नगर निगम चुनाव में ठीक से काम कर सकें, इसलिए सारे साथियों ने मिलकर यहाँ पर काम किया। क्या माना जाए कि शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जाएगा? नहीं नहीं, पिछले दिनों भी यहाँ पर चंदन नगर में एक कार्यकर्ता मिलन समारोह हुआ था जिसमें कुछ 4-5 लोगों ने मिलकर करा था, मैं उसमें था नहीं, तो एक मेरा भी मेरे लोगों ने बोला कि एक आयोजन अपन भी करते हैं, तो मैंने भी उस माध्यम से एक आयोजन करके बताया है। इसमें कोई शक्ति प्रदर्शन वाली बात नहीं थी, शक्ति प्रदर्शन या इस टाइप का कुछ भी नहीं था। नगर निगम चुनाव में जैसी जो उस समय स्थिति बनेगी उस समय निर्णय लिया जाए। क्षेत्रीय जनता का किस तरह का सहयोग मिला? क्षेत्रीय जनता का प्यार मोहब्बत बहुत तरीके से नवाजा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी हजारों की संख्या में, आपने भी देखा कि हजारों की संख्या में लोग एक शॉर्ट मैसेज पे यहाँ पर आए, उपस्थित हुए और कार्यक्रम को उन लोगों ने सफल बनाया।